हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज का मेरा वीडियो है प्राइमर के ऊपर की प्राइमर क्या है और प्राइमर को क्यों लगाया जाता है, मेकअप लगाने से पहले, फाउंडेशन लगाने से पहले क्यों लगाया जाता है, तो हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक उसके ऊपर है। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेक श्योर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि प्राइमर क्या है और क्यों उसे जरूरी होता है लगाना। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल के तौर पे जब हम घर में पेंट करवाते हैं, तो पेंट जब हम करवा रहे होते हैं और पेंट से लगाने से पहले जो चीज लगाई जाती है वो एक प्राइमर की तरह होती है। तो मुझे याद तो नहीं उसे क्या बोलते, तो प्राइमर की तरह होती है। तो उस प्राइमर को लगाने के बाद आपका पेंट लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और आप का पेंट जो है बहुत स्मूथ फिनिश देता है और आपकी जो दीवार है वो खराब नहीं होती है उसको सीलिंग में। फेस प्राइमर हमारी स्किन पे यही काम करता है और वो इसलिए लगाया जाता है ताकि जब हम फाउंडेशन लगाएं तो जो भी हम बेस लगाएं वो हमारी स्किन के अंदर ना जाए और हमें एक प्रोटेक्शन लेयर दे दे और हमारा जो मेकअप है उसे वो स्मूथ बनाता है और एक फ्लॉलेस लुक देता है। तो फाउंडेशन बहुत ही अच्छा लगता है लगाया हुआ प्राइमर के बाद, और प्राइमर से हमारी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। फाउंडेशन से पहले प्राइमर लगाने से हमारी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। प्राइमर बहुत जरूरी होता है फाउंडेशन लगाने से पहले। तो मार्केट में कई टाइप के प्राइमर होते हैं जो आप चूज कर सकते हैं अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। प्राइमर्स की बात करूंगी जो मोस्टली लोग ज्यादातर लगाते हैं। तो मेरे पास कुछ प्राइमर हैं ऐसे जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये चार प्राइमर हैं। ये फाउंडेशन है पैक का, और ये फाउंडेशन है स्टे क्विकी का, ये फाउंडेशन है मिलानी का फाउंडेशन है, और ये है मार्स का फाउंडेशन। तो इनमें से मोस्टली लोग जो यूज करते हैं वो होते हैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। सिलिकॉन बेस्ड वो लोग यूज करते हैं जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें ओपन पोर्स होते हैं, और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर उनकी स्किन पे उनकी स्किन को पोर्स को फिल करने का काम करता है, और इसलिए सिलिकॉन बेस्ड ओपन पोर्स वालों के लिए बेस्ट होते हैं, लेकिन ये स्किन के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही स्मूथ फिनिश देते हैं फेस को और बहुत ही स्मूथ होती है क्योंकि इसमें सिलिकॉन होता है, लेकिन सिलिकॉन हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें कभी भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। मैं भी इसे सिर्फ कहीं बाहर आने जाने में और शादी वगैरह में ही यूज करती हूँ, अदरवाइज मैं इसे घर में डेली रूटीन नहीं यूज करती हूँ। तो उसके बाद आता है ये मार्स का प्राइमर। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइमर है, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है, और ये जेल बेस्ड है, और ये इसमें SPF 20 भी आपको मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन ये मतलब अच्छा है, आपकी स्किन को स्मूथ फिनिश देता है और इसे डेली वेयर में भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी स्किन के लिए कौन सा प्राइमर सही रहता है। तो ड्राई स्किन वालों के लिए क्रीम बेस्ड और टिंट बेस्ड जो टिंट प्राइमर होते हैं वो सही रहते हैं। ऑयली स्किन के लिए रहते हैं जेल बेस्ड और वाटर बेस्ड जो प्राइमर होते हैं वो सही रहते हैं, और जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है उनके लिए ये दोनों ही प्राइमर काम करते हैं उनकी स्किन के हिसाब से, क्योंकि कॉम्बिनेशन होती है तो कोई भी प्राइमर लगा लो आप पे चली जाता है। तो ये तो बात होगी कौन सी स्किन टाइप को कौन सा प्राइमर यूज करना चाहिए। दिखा देते हैं, चलिए प्राइमर लगाने का तरीका देखते हैं। फेस क्लीन करने के लिए मैंने बायोटिका टोनर यूज किया और मॉइस्चराइजर लगाया और उसमें एसेंशियल ऑयल मिलाकर लगाया, फिर फेशियल ऑयल लगाया, और अब मैं प्राइमर लगा रही हूँ। ये मार्स का प्राइमर है, इसे मैंने अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लिया है और अच्छी तरह से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लिया है। बस आपको इसकी एक लेयर लगानी होती है फेस के ऊपर और इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ देना पड़ता है। इतने मैंने अपनी आईब्रो फिल कर ली और उसके बाद मैंने अपना फाउंडेशन लिया है। फाउंडेशन में मैंने अपना फेशियल ऑयल मिक्स करके लगाया है क्योंकि सर्दियों में स्किन बहुत ड्राई होती है, तो चांसेस होते हैं कि आपका फाउंडेशन जो है किकी और पैची हो सकता है। तो उसके लिए आप उसमें कोई ऑयल ऐसा कोई फेशियल ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं। तो मैं तो दो ड्रॉप फेशियल ऑयल मिक्स कर लेती हूँ और पूरे फेस पर अपने अप्लाई कर लेती हूँ, जिससे मेरा फेस बहुत ही ड्यूई लुक आता है मेरे फेस पे और मेरा फाउंडेशन किकी और पैची नहीं लगता है।
तो ये था प्राइमर लगाने का तरीका, तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। वैसे कई लोग कुछ नेचुरल जो हम अपनी स्किन रूटीन में यूज करते हैं कुछ चीजें, उनका भी उपयोग प्राइमर के तौर पे हो सकता है। तो उसमें से भी मेरे पास है ये वॉव का एलोवेरा जेल। वॉव का एलोवेरा जेल भी कोई भी, आप कोई भी एलोवेरा जेल वैसे तो प्राइमर के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज करती हूँ ये वॉव का एलोवेरा जेल क्योंकि इसमें कोई भी पैराबेन नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई भी कलर नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट रहता है एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए। मैं तो यही यूज़ करती हूँ और मुझे इसके फायदे बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत अच्छा स्किन को फायदे देता है, बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है ये। तो ये प्राइमर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को भी आप प्राइमर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राइमर कितना जरूरी होता है फाउंडेशन लगाने से पहले, और ये हमें फाउंडेशन के नुकसान से भी बचाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म, तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन, ओके बाय।